हे गाइस, आई एम पूजा कुंवर। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से आउट की गई हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए, एंड वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपर पहुंचे। पोस्ट रिव्यू ऑफिसर हिंदी में नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है। योग्यता मांगी गई है 10+2 एंड ग्रेजुएशन इंग्लिश एंड हिंदी में होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, एंड डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ओ लेवल का जो कि NIELTS या DOEX सोसाइटी द्वारा अवार्डेड होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एंड इंग्लिश टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। एज लिमिट 21 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 11 नवंबर 2021 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 800 है, SC ST के लिए 600 है, एंड सैलरी 47,600 से लेकर 151,100 लेवल 8 है, एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है। इस वैकेंसी को NTA यानी नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट रिव्यू ऑफिसर के लिए है लेकिन ये उर्दू में है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन विद अरेबिक लिटरेचर या पर्शियन लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर के साथ में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, साथ में डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या CCC सर्टिफिकेट ओ लेवल सर्टिफिकेट जो कि NIELTS या DOEX सोसाइटी द्वारा अवार्डेड होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 21 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर GOI रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लास्ट डेट 11 नवंबर 2021 है। अप्लाई फीस जनरल OBC के लिए 800 है, SC ST के लिए 600, सैलरी 47,600 से लेकर 151,100 लेवल 8 है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है, एंड ये वैकेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। आइए जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है। स्टेज फर्स्ट में पार्ट ए से जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ टाइप के एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। दो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। जनरल स्टडीज के कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसे हम सिलेबस कह रहे हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं कैसा रहने वाला है ये सिलेबस। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट से, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश से, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी इन सभी क्षेत्रों से जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आएंगे। स्टेज फर्स्ट के ही पार्ट बी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेज फर्स्ट में ही पार्ट ए और पार्ट बी के दौरान 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। पार्ट बी में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, NCBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 डिसाइड किया गया है। सिलेबस कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का कैसा रहेगा? इसमें लगभग 500 वर्ड्स का एक इंग्लिश का टेक्स्ट दिया जाएगा, जिसे कैंडिडेट कंप्यूटर पर सेम फॉर्मेट में से 20 मिनट्स के अंदर सेम फॉर्मेट में उसको रिप्रोड्यूस करना है। ये पार्ट भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहेगा। स्टेज सेकंड के एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जितनी भी वैकेंसी है प्रत्येक कैटेगरी में, उसके 5 गुना कैंडिडेट को स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड में मेंस ट्रांसलेशन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, एंड पेन एंड पेपर मॉडल जिसे कहा जाता है। मैक्सिमम 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। किसी भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। एंड मिनिमम 66 मार्क्स अचीव करना जरूरी है 200 में से, यानी कि 33%। पार्ट फर्स्ट में जो मेंस ट्रांसलेशन टेस्ट है वो कैसा रहने वाला है? ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या उर्दू, यानी जिसका जो सब्जेक्ट हिंदी वाले हिंदी को टच करेंगे, उर्दू वाले उर्दू को। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या उर्दू ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ जजमेंट प्लीडिंग एविडेंस एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से आएंगे। इसके लिए मैक्सिमम 60 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या उर्दू ऑफ ए सेक्शन और सम सेक्शन ऑफ एन एक्ट या रूल्स से पूछा जाएगा। 20 मार्क्स इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशन क्लिचेस ईटीसी एज अ लीगल टर्म्स एंड मैक्सिस से क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैक्सिमम 20 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट टू में ही ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेशन टेस्ट लिया जाएगा। ये ट्रांसलेशन हिंदी या उर्दू से इंग्लिश में होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी या उर्दू टू इंग्लिश ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ जजमेंट या प्लीडिंग एविडेंस एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से क्वेश्चन होंगे। 60 मार्क्स इसके लिए मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी या उर्दू टू इंग्लिश ऑफ अ सेक्शन या सम सेक्शन ऑफ एन एक्ट या रूल से क्वेश्चन होंगे। 20 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशन क्लिचेस एटेस्ट्रा एज अ लीगल टर्म्स एंड मैक्सिस से ये क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम 20 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।